हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूरल टेक एंड थ्री। और आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फील्डिंग करना है, आपको डाइव कैसे मारना है, डाइव के साथ साथ आपको हाथ कैसे रखना है और हाथ में कौन सा चीज़ जरूरी है डाइव मारने के लिए, कौन सी वो सारी बेसिक चीज़ें जरूरी है जिसमें आप डाइव मार सकते हैं जिससे आपको चोट भी ना लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, आज का लेसन। सबसे पहले आपको 2 से 4 स्टेप इनिशियल मूवमेंट स्टार्ट लेना पड़ेगा, जिससे कि एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि सबसे पहले आप बॉल पर जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपको ये मिलेगा कि आपके जो आँख है वो बॉल पर ही रहेगा। जब कभी भी आप राइट हैंड से कैच लेंगे तब लेफ्ट हैंड के एल्बो और शोल्डर को यूज़ करते हुए रोल करना है। सेम तरीका आपको लेफ्ट हैंड से फॉलो करना है। फील्डिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका पैर का दोनों मूवमेंट और साथ में आपका बैंड होना। यदि आप बैंड नहीं हो रहे हैं तो आप किसी भी मूव नहीं कर सकते। सबसे डिफिकल्ट होता है लेफ्ट साइड में कैच लेना और सबसे ईजी होता है ऑफ साइड में कैच लेना। जैसे जैसे हम बैटिंग में स्टांस लेते हैं वैसे ही हम अपने फील्डिंग में स्टांस लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये बात, जब कभी भी आप क्लोजिंग फील्डर में रहेंगे या फिर 30 यार्ड्स तक फील्डिंग करेंगे तो अपने हाथों को यहाँ रखकर लॉक नहीं करना है। हमेशा अपने हाथों को यहाँ पर रखना है ताकि किसी भी ओर हमको मूव करते बने। जैसे कि पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था, पहले ही क्लास में हमने आपको बताया था कि आपको स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है और आपके साथ में चीज़ जानते पाँच लोगों को कुछ इस प्रकार से छुटते हुए और जैसे ही शॉट पड़ती है तो आपको अपने पोजीशन पे आ जाना है राइट या फिर लेफ्ट छुटते हुए। इसलिए बस इतना ही गाइस, और कल के वीडियो में फॉलो करते रहिएगा हम लोग। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैटिंग कैसे करना है, बॉल की लाइन कैसे जज करना है और बॉल कैसे छोड़ना है।